अभी हाल में सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे तो उनके सम्मान में भोजन था, तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। उन्होंने तो मुझे पूछा क्या, मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी, 2 लाख कर दिया, 2 लाख। दुनिया में किसी भी देश का आपका कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही, मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं किया पता होता है और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए। मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा मोदी जी आपने कहा है ना, मैं आज आपको शाम तक जवाब दे दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शाम को राष्ट्रपति भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे, उन्होंने कहा मोदी जी कुछ मीठा खा लो। मैंने कहा किस बात का। बोले सऊदी की जेल में भारत के जो 850 लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। ये होता है दुनिया के साथ नाता वाला। इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। भाई साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण है।